ये तस्वीरें आप पानीपत के सिविल अस्पताल से देख रहे हैं। मामला आपको बता दें कि देर रात डीजे पर डांस कर रहे हैं, जो हनुमान स्वरूपों के आगे डीजे बजते हैं उनके आगे डांस कर रहे हैं कुछ शरारती तत्वों ने एक इंटरनेशनल खिलाड़ी की चाकू गोंद कर जो है ये वीडियो देखिए, ये देर रात की जो वीडियो है वो सामने आई है। हाथों में डंडे और चाकू लेकर जो है ये हुड़दंगबाज जो है हुड़दंग कर रहे थे और इनको जैसे ही रोका गया, इन्होंने पहले सार्थ की तो उनको रोका गया तो इन्होंने चाकू से गोंद कर उगराखेड़ी के रहने वाले मनप्रीत की हत्या कर दी। तो अब ये तस्वीरें जो है पानीपत के सिविल अस्पताल से आपको दिखा रहे हैं। सिविल अस्पताल में इस समय तनाव बना हुआ है। उगराखेड़ी का रहने वाला और टीटी की जॉब करता था, वो रेलवे में टीटी के पद पर था और देर रात जैसे ही इसे इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने चाकू से वार करना जो है शुरू कर दिया। सुबह जो मनप्रीत के शव को पानीपत के सिविल अस्पताल में लाया गया और यहाँ पर तनाव जो है बना हुआ है। एक बार तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें, मेरे पीछे जो है पोस्टमार्टम हाउस है। यहाँ पर मनप्रीत के परिवार वाले और पूरा गांव और आसपास के जितने भी गांव वाले हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और बड़ी बात ये है कि हनुमान स्वरूप जो पानीपत में निकले हैं इनके सामने डीजे का क्या काम, डीजे पर ये लोग हुड़दंगबाजी करते हैं और उसके बाद नतीजा आप लोगों के सामने है, एक हत्या हो जाती है देर रात। और हत्या को लेकर तनाव पूरे परिवार में बना हुआ है और हर कोई मांग कर रहा है कि इस ऐसे डीजों को जो है बंद होना चाहिए। इस ओर ना तो प्रशासन का ध्यान है, ना किसी अधिकारी का ध्यान है और ना ही नेता का ध्यान है, और जिस कारण जो है एक बड़ा मामला सामने आया है। मनप्रीत जो है टीटी की नौकरी करता है, रेलवे में करता था, उसका 5 साल का बेटा है और उसकी हत्या जो है चाकू से गोंद कर दी गई। दूसरा मामला एक और पानीपत में सामने आया है। पानीपत के तहसील कैंप क्षेत्र में एक और मामला सामने आया है, वो भी हनुमान स्वरूपों से जुड़ा हुआ मामला जो है बताया जा रहा है। उसमें भी एक युवक की हत्या की गई है। पानीपत में 2 हत्याओं से सनसनी फैल गई है और दोनों का कारण ये हनुमान स्वरूप के आगे नाचते हुए जो हुड़दंग करते युवक बने हैं। और मांग ये उठने लगी है कि इन डीजे के आगे जो नाचते हैं इनके ऊपर बैन होना चाहिए और जो डीजे हैं इन पर भी बैन होना चाहिए। और आपको बता दें कि पानीपत के उगराखेड़ी का रहने वाला मनप्रीत रात घर पर जा रहा था, एक युवक के साथ कुछ झगड़ा होता है, उस झगड़े में वो मनप्रीत वहां पर आता है तो इस दौरान कहासुनी होती है। कहासुनी में ही जो है चाकुओं से वार किए जाते हैं, मनप्रीत के ऊपर ताड़प तोड़ जो है वार किए जाते हैं, जिसके बाद उसे अस्पताल में लाया जाता है जहां उसकी मौत हो जाती है। 2014 में मनप्रीत ने नौकरी ज्वाइन की थी और 5 साल का उसका जो है बेटा बताया जा रहा है और उनके पिता की भी कुछ साल पहले डेथ हो चुकी है। एक भाई जो है वो अमेरिका में है और ये बेहद दुखदायी मामला जो है वाइसो पानीपत पर आप देख रहे हैं। 2 हत्याओं से सनसनी फैली है, एक सनोली रोड पर और दूसरी पानीपत के भावना चौक की जो है बताई जा रही है, उसमें भी एक युवक की मौत हुई और दोनों कारण जो बने हैं हनुमान स्वरूपों के आगे नाचते हुए युवक बने हैं। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूँ। अभी शव को उठाने के लिए परिवार वालों ने मना कर दिया है और कई युवक इसमें जो है आइडेंटिफाई हुए हैं। उन युवकों के बारे में अभी तक ये जानकारी मिली है कि अभी वो फरार बताए जा रहे हैं और अभी तक उनके परिवार वाले हैं जो वो हिरासत में लिए हुए हैं, लेकिन युवकों के बारे में कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। 2 हत्याएं पानीपत में हुई है और एक हत्या पानीपत के उगराखेड़ी गांव के रहने वाले मनप्रीत की है और दूसरी जो है तहसील कैंप क्षेत्र की बताई जा रही है। दोनों ही मामलों में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिजनों में रोष बना हुआ है। एक के शव को यहाँ लाया गया है, उनका एक्सरे वैक्सरे जो हो रहा है, दूसरे शव को जो है पोस्टमार्टम में हाउस में रखा गया है। जो उगराखेड़ी के लोग हैं उन्होंने शव को उठाने से मना कर दिया है, जब तक गिरफ्तारी नहीं, उनका ये कहना है जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो शव को नहीं उठाएंगे। परिजनों में रोष बना हुआ है। इधर SP को यहाँ पर बुलाए जाने की मांग की जा रही है, प्रशासन को बुलाए जाने की मांग कर रही है। DSP और चांदीबाग थाना SHO जो है वो मौके पर हैं, लेकिन SP को बुलाए जाने की मांग और एक कड़ा आश्वासन दिए जाने की जो है मांग यहाँ पर की जा रही है।
जो अभी तक युवक बताए जा रहे हैं, 5 युवक उसमें आइडेंटिफाई हुए हैं, 5 युवक अभी फरार चल रहे हैं। और अभी तक जो सूचना मिल पा रही है, जो डीजे चालक है, डीजे चालक को भी पुलिस ने कहीं ना कहीं हिरासत में लिया है और उस पर भी जो है पूछताछ चल रही है। वीडियो आपने देखी, सीसीटीवी वीडियो में कैसे चाकू और डंडे लहराते युवक जो हैं डीजे पर डांस कर रहे हैं, उसी के आधार पर जो है पुलिस छापेमारी कर रही है। इसमें जो भी बड़ी अपडेट होगी हम लोग दोबारा लाई होंगे। नमस्कार। तो एक बार फिर से वीडियो आपको फिर से दिखा दें। ये जो वीडियो सामने आई है, ये वीडियो हुड़दंग